आज हम 7 साल बाद अपने बेटा, बहू और पोती से मिला। तब तो मैं दादाजी के साथ खूब बातें करूंगी। सुन अब दादू से कहानी हम है लाडो रानी। सुन पापा, हम दादू के पास कब पहुंचेंगे? हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे बाबूजी के पास। गाड़ी के बैलेंस बिगड़ला के वजह से गाड़ी पेड़ से टकरा गई और गाड़ी में आग लग गई, और पीछे बैठल बच्ची कांच टूटला के वजह से बाहर आके गिर गई और ओकर मौत हो गई। भूत प्रेत आत्मा के अस्तित्व दुनिया में पहले भी रहे और आज भी बा। सबके सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। ये भूत प्रेत आत्मा ये सब बकवास, कमजोर दिमाग का फिर दूर है। वो बुरा रूहानी ताकत पहले जहीर खान के मारलस, अब रामदीन के मार देला। इस शरीर पे न कोनो जख्म बा न कोनो खरोच। हमनी के पीछे कोनो प्रेत आत्मा एकदम हाथ धोके परल बा। नजर के सामने सब कुछ पर, लेकिन नजर आवत नहीं खे। एक कर जवाब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स दे सकेला, योगी राज शंकरा। आज तक कोनो भी बुरी आत्मा योगी राज शंकरा से नहीं खे बचल। मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा। जाना ताड़ा से उन्हन के मरले बाटे। महज एगो 7 साल के बच्ची, उहे 7 साल के बच्ची राणा के माई बाप के तोनी के बेरहमी से मार के उन्हन के शरीर में से अंग निकाल के उन्हन के गाड़ी में डाल के चला धला। बहुत खतरनाक आत्मा भी हो, तोरे कुल के केहू के ना छोड़ी। तंत्र मंत्र के उपयोग मानवता के भलाई खातिर करे के चाहिए। जाला दो, पापियन के संघार करा। हर हर महादेव। लाडो हमरे के छोड़ दा। लाडो तोहनी के इतना भयानक मौत दे कि मौत के रूह भी कांप जाए। मैं इस औरत को मार दूंगी। बिटिया तू? सिर्फ मुझे ही नहीं, मम्मी पापा को भी मौत की झूला झुलाने वाली आपकी बहू यानी कि मेरी चाची। अगर तू ओकरा के मार देबू तो तोहरा माथा पर एगो निर्दोष के हत्या के पाप लागी। लाडो लाडो विभा के मार के तू एगो निर्दोष के हत्या के भागी बन जेबू। लाडो के अदालत में तोहनी खातिर सजा मुकर्रर हो गई बाटे, और उस सजा बहुत भयानक बाटे।